हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सुमे हूँ तो सर्वसन सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मनी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम सिटेनोफोर्स के बारे में। और ये हमारा कितना नंबर फाइलम है? ये थर्ड फाइलम है और ये हमारा लेक्चर नंबर 8। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो। आई होप आपको सिटेनोफोर्स का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो ये फाइलम जो आपका दिया है, इसको और भी कॉमनली क्या कौन से नेम से जाना जाता है? इसको कॉमनली और भी सी वालनॉट्स या फिर इसको कॉम जेलीज, ये दोनों नाम से इसको और भी जाना जाता है। इसका कॉमन नेम या फिर हम क्या बोल सकते हैं, निक नेम, मैं बोला था पहले, या फिर हम इसको निक नेम भी बोल सकते हैं इसका निक नेम। ओके, समझ में आ गया। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। क्या होते हैं? मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। फिर ये क्या है, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और क्या होता है इनका, इनका रेडियल सिमेट्री होता है। और लास्ट वन इसका और एक फीचर क्या है, इसका और एक फीचर है कि ये क्या होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक। तो ये पहले एक्सक्लूसिवली मेराइन हुआ, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, फिर रेडियल सिमेट्री होता है, और इसका जर्म लेयर जो होता है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो इसके मतलब इनके से एम्ब्रायनिक लेयर में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाया जाता है। ये तो मैं पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। जर्म लेयर का बारे में क्लासिफिकेशन का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम और देखते हैं कि इनके बॉडी जो होता है, ये बॉडी, इनका जो बॉडी होता है ये क्या बियर करके रखता है, ये बियर्स करके रखता है एट कॉम लाइक प्लेट्स। रो में रहता है वो वाला, फिर कैसे रहता है, रो में रहता है एट सिलिएटेड कॉम प्लेट्स रहता है। तो ये अगर आपका बॉडी हो गया तो यहाँ से आपका ऐसे 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 रहेगा। ये कितना हुआ, 5 6 7 8 हो गया। तो यहाँ से आपका ऐसे कॉम्ब लाइक होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपका यहाँ पे होगा। तो सारे जगह से ऐसे 8 ठो करके आपका निकला होगा, यहाँ से, यहाँ भी ऐसे, फिर यहाँ भी ऐसे, फिर यहाँ भी ऐसे। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ आपको? फिर यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे जो 8 हो गया, ये जो कॉम्प्लेट्स है ये किसमें आपका मदद करता है, सिलिएटर कॉम्प्लेट्स जो है ये आपका लोकोमोशन में मदद करता है। किसमें? इसको लोकोमोशन करने के लिए या फिर मूवमेंट करने के लिए मदद करता है, मूवमेंट करने के लिए इसको मदद करता है। तो इतना दूर तक समझ में आ गया। अभी हम डिस्कस करते हैं इनका डाइजेशन कैसा होता है। इनका डाइजेशन होता है इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर भी होता है और सेल के बाहर भी होता है। इंट्रा सेलुलर और ये और भी क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी ये होता है। तो पहले आप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो अभी हम चले आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनका प्रॉपर्टी रहता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो क्या है, बायोलुमिनेसेंस। तो ये प्रॉपर्टी इनका क्या है, ये प्रॉपर्टी में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो
इमिट लाइट, लाइट को इमिट करते हैं, इमिट लाइट, लाइट को इमिट करते हैं। और ये प्रॉपर्टी किसमें प्रेजेंट होता है, ये आपका इस फाइलम में प्रेजेंट होता है, ये फाइलम के सारे ऑर्गेनिजम्स में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया। फिर अभी हम देखते हैं कि इनका सक्सेस क्या होता है, नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं होता है, नॉट नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं होता है। तो इनका जो एग होता है, इनका जो एग होता है और जो स्पर्म होता है, ये एक ही इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होता है, एक ही इंडिविजुअल में, वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में ये प्रोड्यूस होता है। और इनका रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसा होता है रिप्रोडक्शन, इनका इनका रिप्रोडक्शन ओनली इन सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली होता है। और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये आपका एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होता है विद इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट इसका होता है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट इसका होता है। और अभी हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे, तो इनका एग्जांपल के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, क्या है वो है आपका पीसी, पीसी में इसका ही आ जाएगा, पीसी। तो पी में आपका क्या आता है, पी में आपका आएगा ल्यूरोब्राकिया, ल्यूरोब्राकिया, ल्यूरोब्राकिया। और सी में आपका क्या आएगा, सी में आएगा आपका, ये नाम से ही जो ये आपका फाइलम का ये फर्स्ट फाइव लेटर है, ये यहाँ पे भी होगा सी टेनो, और ये जो फोर है यहाँ पे सिर्फ प्लाना होगा, क्या होगा प्लाना, समझ में आ गया। यहाँ पे पी, पी भी सेम है, इतना दूर तक भी हम कंसीडर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप आपको फाइलम टेनोफोर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे वीडियोस को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।